लेट अस बिगिन लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके सारे लेक्चर्स मैंने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं, या आज तक आज हो जाएंगे सारे लेक्चर्स अपलोड। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट है वहां से भी देख सकते हो, या मुझे चैट में बता दो, आफ्टर क्लास मैं ले लूंगा आज, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप सपोज बच्चों आप एक गार्डन में घूम रहे हो और आपने क्या किया, एक कीड़े को देखा, वो रहते ना पत्ती में कुछ कैटरपिलर टाइप के, तो आपने एक लीफ में यू सॉ सम कुकून काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट, जो बटरफ्लाई का जो इनिशियल स्टेज रहता है। अब तुमने उसको देखा, करेक्ट, नाउ तुम्हें कुछ इस तरह की इमेज दिखाई देगी, बराबर है, जब तुम उसको देखोगे तो ये तुम्हें कुछ इस तरह की चीज दिखाई देगी, किस तरह की, इस तरह की, बराबर है कि नहीं है, करेक्ट। नाउ तुम्हें इसके और डिटेल्स समझने हैं, इसका इसके पैर कहाँ पर है एंड ऑल दैट, तो तुम क्या करोगे, यू यूज सिंपल एक लेंस यूज कर सकते हो तुम ना। देखो अगर मान लो तुमने एक लेंस यूज किया, तब जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, दिख रहा है। तो अब बताओ इस वाली इमेज और इस वाली इमेज, इमेज नंबर वन एंड इमेज नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस, कौन बच्चा बताएगा, इमेज नंबर वन एंड इमेज नंबर टू, इसमें ऐसा क्या हो गया कि जो आपको एकदम सब चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देने लग गई, और यहां पर ऐसा क्या हो गया जो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है बता दूं मैं, कि आपको ये ट्राई करना चाहता है, यहां पर अगर तुम देखोगे ये जो एंगल है, ये आंख बना रही है इस कीड़े के साथ, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कर दे रहा है, देखो बढ़ा दे रहा है, आर यू सीइंग दिस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमने ये जो एंगल था मेरा, जो कि बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल्स है तो बहुत छोटे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारी आई को सबस्टेंड करते हैं, दिस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा और यहाँ पर ये एंगल थीटा डैश, तो क्या हो रहा है, एंगल तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आई के साथ एंगल बना रहा है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यही काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इन एंगल को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद पे सोच के देखो, आप एक पेड़ है उसको दूर से देख रहे हो, एक ट्री है उसको दूर से देख रहे हो, और फिर आप पास जाके उसको देखते हो, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूर से देखोगे तो हो सकता है इतने डिटेल्स आपको ट्री में नहीं समझ में आए, हो सकता है उस ट्री में एक पैरेट बैठा हो आपको ना दिखाई दे, आपको सब ग्रीन 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 सब दिखाई दे, ठीक है, लेकिन जब तुम पास आके देखोगे तो तुम देखोगे अरे उसमें एक पैरेट बैठा है, उस ट्री की ट्रंक में एक होल है, दूर से इतने डिटेल्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पास से जब किसी चीज को देखते हो एक्चुअली में, तो क्या होता है, पास से जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ये जो एंगल है तुम्हारा थीटा डैश, ये एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है, बराबर है, बराबर है बच्चों कि नहीं बराबर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम यूज करेंगे उनमें उनका जो मेन पर्पस रहेगा वो क्या करना रहेगा, उसका मेन पर्पस ये रहेगा टू इंक्रीज दिस एंगल थीटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये पर्पस रहता है, ठीक है। तब यहाँ पर हम अगेन, अब जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर ये जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल है दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर वी आर डिफाइनिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन देखो क्या होता है,
सेम ही एक्चुअली, दिस इज वेरी सिमिलर टू जो मैग्निफिकेशन हमने देखा है, बट यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन एम जो है दैट इज व्हाट। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और डायग्राम निकालता हूँ, सपोज ये यहाँ पे तुम्हारी आई है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए आई में एक डिस्टेंस होता है विच इज वेरी वेरी स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बराबर है। वी से दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा नॉट, ठीक। तो ये अभी देखो इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट एच है और ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। बराबर है, बराबर है थीटा नॉट। नाउ बच्चों, अगर ये एंगल बढ़ा दोगे तुम, एनीवेज इंस्ट्रूमेंट क्या करे, इस एंगल को बढ़ा दे रहा है, बस वही तो कर रहे ना। तो इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने क्या किया, इस एंगल को हमने बढ़ा दिया है। बट लेट्स अज्यूम इमेज है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बन रही है, ठीक है। ये भी एच हो गया, बट ये जो इमेज बन रही कहाँ पे बन रही, इमेज बन रही है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बननी चाहिए इमेज, ठीक है। तो तभी इमेज का हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल बढ़ गया है। दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो ये कैसे मिल गया आपको, विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बराबर, तो हाउ यू आर अचीविंग दिस, यू आर अचीविंग दिस विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन थीटा नॉट, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन डी, एच डैश अपॉन डी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन डी। तो ऑलमोस्ट एक उस तरह का, एच डैश मतलब कितना बड़ा हो गया डिवाइडेड बाई कितना छोटा हमें दिख रहा था। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर आई। बच्चों ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बस हम इसको विल नॉट राइट इट इन ऑल दीज टर्म्स, बाद में हम लिखेंगे इसको ऐसे, बट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज थीटा बाई थीटा नॉट, ठीक है। कितना आपका उस इंस्ट्रूमेंट ने कितना एंगल कर दिया और पहले कितना एंगल था, ठीक है। समझ में आ गई बात बच्चों कि नहीं आ गई। किसी बच्चे को कुछ डाउट है। अब एक जो लेंस होता है, एक जो लेंस होता है वो लेंस जो होता है वो ना, देखो वर्क कैसे करता है लेंस। देखो यहां पे मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तुम, ठीक है, ठीक। अब तुम्हें मालूम है लेंस में फोकस होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे कहीं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है। बराबर है, ठीक। तो पीछे की तरफ कहीं तो ये इमेज तुम्हारी बनेगा, बराबर है कि नहीं है, ठीक। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते थे सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी। तो यहाँ पर देखो एंगल जो है ये बिकॉज ऑफ दिस लेंस दैट वी हैव यूज्ड,
ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल बढ़ गया है बच्चों, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है ना। अच्छा मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जो डी होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। कोई भी नॉर्मल आई के लिए हम इसको कितना पकड़ते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ इसने। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस ले लोगे तो यू नॉट सी अ वेरी क्लियर इमेज, ठीक है। इमेज को क्लियरली देखने के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मिनिमम रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी क्लियर इमेजेस, ठीक है। आई का दैट इज अ फोकल लेंथ, ऐसा आप सोच सकते हो, उसके बियॉन्ड ही वो क्लियर इमेजेस बनाता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों यहां पर देखो, तो इनिशियली मेरा मैग्निफिकेशन कितना था, इनिशियली मेरा तो मैग्निफिकेशन इज थीटा बाई थीटा नॉट, ठीक है। सो थीटा नॉट कितना हो गया, ये थीटा नॉट यहाँ पे देखोगे अगर आप, थीटा नॉट हो जाएगा, अभी मैंने बोला यहाँ पर आपको कि थीटा नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा नॉट, तो हो जाएगा एच बाई डी बराबर। अब फिर थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, इसी दिस थीटा भी इंटरेस्टेड है। चलो किसका एक अच्छा वाला डायग्राम निकाल देते हैं यहाँ पर। हमने क्या देखा था, जो थीटा नॉट है वो कितना हो गया, थीटा नॉट हो गया एच बाई डी, थीटा नॉट इज एच बाई डी बराबर। अरे फिर थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा थीटा देखो यहाँ से, अब कई कई वैल्यूज आप बोल सकते हो थीटा की। सो जैसे एक वैल्यू जो यहाँ पे थीटा या टैन थीटा, बिकॉज यहाँ पे थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यस बताओ क्या लिख सकते हो थीटा को, तो थीटा को देखो आप एच बाई यू नॉट लिख सकते हो कि नहीं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो इस डायग्राम को, थीटा यहाँ पे एच बाई यू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अच्छी क्लैरिटी के लिए, जब अगर आपको मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा चाहिए तो इस यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रख दो ना, तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा आपको, बराबर है कि नहीं है एकदम। वी कीप इट नियर, ये जो यू नॉट है ये अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के बराबर अगर हो गया फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है करेक्ट, क्योंकि फिर तुम्हारा ये एंगल बढ़ जाएगा फिर उस केस में। तो हम क्या यहाँ पे यू नॉट को एफ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। थीटा कितना हो गया एच बाई एफ, ठीक है बराबर है बच्चों कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जो मैग्निफिकेशन आया कितना आ गया, थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा कितना है एच बाई एफ एच बाई डी। एंड ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है फाइनली डी बाई एफ, सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन। ये जो इक्वेशन बनी है बच्चों यहां पर, यहां पर ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन में साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हो आप, बिकॉज डी इज अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, इट की कॉन्स्टेंट, इसके तो वैसे भी पॉजिटिव रहती है, तो एक स्पेशल केस के लिए बनाई है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई सब बच्चों को, सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई ये बात। तो ये डी बाई एफ कब, डी बाई एफ कब यूज करोगे, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, कब यूज करोगे, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा तो
अगर मान लो इन्फिनिटी पे नई इमेज बनी, मान लो हमने जैसे यहां पर दिखाया इस ये वाला केस, ऐसा एक केस ले लिया, तब क्या होगा? तो उसके लिए चलो एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? क्योंकि जब तुम्हारा इमेज इन फोकस पे लेके जाते हो तो क्या होता है, एक्चुअली तुम्हारा ये जो साइज ऑफ द इमेज है वो बहुत बढ़ जाता है, करेक्ट? सो थीटा नॉट विल बी, थीटा विल बी एक्चुअली मैक्सिमम व्हेन दिस इमेज, व्हेन दिस दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस एक्चुअली। ठीक है चलो, तो भी मान लो जैसे एक नॉर्मल केस है, आपने फोकस पे नहीं रखा, नहीं तो यहाँ पे कहीं तो रख दिया है, तो इस केस में तुम्हारा मैग्निफिकेशन कितना होगा देखते हैं ये। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कितना है, अब यहाँ पे कांस्टेंट के टर्म्स में बात करेंगे, माइनस यू नॉट, बराबर? तो हम साइन कन्वेंशन के साथ इस इक्वेशन को बना रहे हैं। इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस इज माइनस डी, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है, प्लस एफ रहेगा ना, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर, तो हमें क्या मालूम है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बराबर है? मालूम है कि नहीं मालूम है? 1/, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था थीटा, थीटा यहाँ पे h/u0 आ रहा है, तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज θ/θ0, θ/θ0 आ रहा है h/u0 डिवाइडेड बाई h/f। ठीक है, दिस इज h/u0 डिवाइडेड बाई h/f। ठीक है, दिस वॉज द आवर रिलेशन दैट वी गॉट। एक सेकेंड एक सेकेंड, h/, दिस h/d होगा, ठीक है, बराबर है ना? देखो ये h/f की जगह मैंने आपको बोला था u0 की जगह f पुट कर देंगे फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो h/u0 अपॉन h/v यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखो, लेट्स ट्राई टू पुट इट इन दिस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v कितना हो गया, v हो गया इमेज डिस्टेंस व्हिच इज माइनस d, u कितना हो गया, u0 फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/f। ठीक है, हमें क्या चाहिए, h/u0 चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? या समझो हमें, हमें यहाँ पर क्या आ रहा है अपना, θ/θ0, इसको जब तुम करोगे तो बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी d/u0, हमें d/u0 चाहिए। ठीक है, तो d/u0 के लिए क्या कर दोगे तुम, एक काम करो, 1/u0 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, इस पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद डी, देखो क्या आ गया तुम्हारा, d/u0 इज इक्वल टू d/f प्लस माइनस, तो d/u0 को तुम, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो मेरा d/u0 है उसको हम d/f प्लस 1v लिख सकते हैं। ये केस कब, ये वाली इक्वेशन कब यूज करोगे तुम, जब इमेज तुम्हारी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, देन यू विल यूज दिस केस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हमने दो फॉर्मूले देखे, कौन कौन से दो फॉर्मूले देखे बच्चों, एक तो हमने देखा जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी, ठीक है, मतलब यू नॉट को एफ पुट कर दिया था हमने, ठीक है, विच वॉज d/f, और दूसरा इमेज कब बनी थी, जब इमेज जो है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है तब हमने देखा। इनफैक्ट यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन इसका ज्यादा है एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको ही बोल दिया था कि यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम इसका नहीं, इसका है, फॉर्मूला तो मैं यही बता रहा है कि जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनती है तो क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है। याद रखना, अगर कभी पूछ ले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बताओ, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रहा है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को?
सब बच्चों को समझ में आ गई बात? तो दो फॉर्मूले कौन कौन से देखे हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक तो ये वाला फॉर्मूला देखा, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ व्हेन इमेजेस फॉर्मड एट इंफिनिटी, और एक हमने ये वाला फॉर्मूला देखा व्हेन इमेजेस फॉर्मड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब बच्चों प्लीज फॉर्मूले लिखते हुए चलो, डिस्टेंस ऑफ इसको डी डी भी बोलते हैं, ठीक है चलिए जल्दी से देखो समझो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो बच्चों ये जो है ना, ये एक कॉन्वेक्स लेंस का सिंपल सा एप्लीकेशन है विच कैन बी यूज्ड फॉर इन एज अ रीडिंग ग्लास। इनफैक्ट यही कॉन्वेक्स लेंस आपका कौन से डिफेक्ट के लिए यूज होता है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस? पास की चीज नहीं दिखती कि दूर की चीज नहीं दिखती, किसके लिए यूज करते हो कॉन्वेक्स लेंस बताओ, किसके लिए यूज करते हो? जब हमें पास की चीज नहीं दिखाई देती, ठीक है, तब होगा जब ऐसा हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषौरी लोग रहते हैं वो हाथ में एक से बारीक सी लाइंस को देखने के लिए ऑल्सो दे यूज दिस कॉन्वेक्स लेंस। ओके, रीडिंग ग्लास, और आपको कुछ मैग्नेटिक सरफेस में कुछ देखना है, यू नो, सो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो यू कैन यूज दिस कर। सो दिस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आई एम टेकिंग दिस डायग्राम फ्रॉम एचसी वर्मा ओनली, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं पहले यहाँ पे एक डायग्राम पेस्ट करता हूँ, फिर हम उसको डायग्राम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों आपको, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, नहीं कंपाउंड लिखता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो लेंसेज दिख रहे होंगे आपको, करेक्ट। एक लेंस जो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? अब देखो माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप में जो भी तुम्हारा, जैसे तुम्हें कोई किस जो व्हाट एवर पार्टिकल यू आर एग्जामिनिंग, उसके पास एक लेंस रखा रहता है, बराबर है। तो समझो यहाँ पर तुमने एक पार्टिकल को रख दिया है, कुछ भी हो सकता है, अमीबा, व्हाट एवर दैट पार्टिकल इज, यू नो, मतलब जैसे आप कुछ पोलन ग्रेन को देखना है आपको, आपको कॉकरोच की टांग को देखना है, तो आप उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक सैंपल, एक क्या बोलते स्लाइड बनाते हैं ना पहले, तो यहाँ पे एक स्लाइड रहती है तुम्हारी, यहाँ पर तुम उस सैंपल को रख देते हो, नीचे से यहाँ पे लाइट आती है, एक्चुअली जो लाइट होती है ना नीचे से आती है तुम्हारी यहाँ पर माइक, तो ये जो लाइट यहाँ पे जो आ रही है, ये सैंपल के नीचे एक बल्ब रखा रहता है, वहां से लाइट आती है, ठीक है। अभी कहाँ पे जाती है, ये जाती है एक ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है ये बहुत ही पास रखा है किसके, किसके, इस ऑब्जेक्ट के, मतलब पास इन द सेंस कि थोड़ा थोड़ा बहुत दूर होगा इससे, ठीक है, बट इट्स कैप क्वाइट क्लोज टू दिस, इसलिए आप देखो यू नॉट डिस्टेंस थोड़ा कम है, ठीक। नाउ द पॉइंट इज, ये वाला जो लेंस है ना बच्चों, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के पास रखा है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो इसकी कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बननी चाहिए, बहुत ज्यादा तुम कभी कभी इसको पास कर देते हो तो वर्चुअल इमेज बन जाती है, तुम्हें तुम्हें आईपीस में कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ऊपर करो सो दैट इसकी वर्चुअल इमेज ना बने, ऑब्जेक्टिव की वर्चुअल इमेज ना, ऑब्जेक्टिव की वर्चुअल इमेज कभी भी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस, ये जो लेंस है, इससे क्या होगा, इससे लाइट आएगी और कहां पर जाएगी, ऑब्जेक्टिव से जाते हुए यहां पर आएगी, ऑब्जेक्टिव से जाते हुए यहां से ये मतलब ये जो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये है, ये थोड़ा सा मैग्निफाई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो आपको मालूम है अगर फोकस और कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो आप, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा मैग्निफाइड इमेज आपको दे देता है,
तो पहला जो मैग्निफिकेशन तुम्हें मिला वो यहां पर मिला, समझ में आई बात बच्चों? पहला जो तुम्हें मैग्निफिकेशन मिला वो तुम्हें कहां पर मिला? यहां पर मिला, ठीक है। अब ये जो h डैश डिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको यहाँ पे आई पीस को थोड़ा, अब आई पीस का देखो, आई पीस थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, करेक्ट? दिस गोज टू शो कि आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और ये इमेज तुम्हें कहाँ पे, ये इमेज का जो पोजीशन है ये तुम्हें ऐसा एडजस्ट करना है कि ये आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए, ठीक है, आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए ये इमेज, बराबर, ये फोकस पे, ये फोकस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो आई पीस का जो फोकस होगा वो ऑब्वियसली इस पॉइंट के इधर ही होगा, करेक्ट? इस पॉइंट के इधर कभी नहीं होगा इसका फोकस, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? ठीक है, तो इसका जो फोकस है वो यहाँ कहीं तो होगा, फोकस ऑफ आई पीस विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है, ठीक है बच्चों। और अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हें, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज टाइप का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज सी कुछ तो दिख रही है आपको, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? यस नो कुछ बोलिए बच्चों, बराबर है? तो अब इसका बिकॉज हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी विच विल बी एनलार्ज्ड। तो पहला मैग्निफिकेशन तुम्हें यहां से मिला, दूसरा मैग्निफिकेशन कहाँ पे मिला? दूसरा मैग्निफिकेशन तुम्हें इस लेंस से मिला, जो कि क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे जब तुम एडजस्ट कर रहे होगे अपने लेंसेस को, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा एडजस्ट करना है, तुमने देखा होगा ना जब भी तुम माइक्रोस्कोप से देखते हो तो एक नॉब घुमाते हो, करेक्ट? तो वो एक्चुअली जब तुम नॉब घुमा रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम लेंसेस का पोजीशन एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो लेंस है यहाँ पर, जो ये आया लेंस यहाँ पर, कौन सा लेंस, ये आई पीस वाला ही जो लेंस है, ठीक है, ये इसका इसका जो फोक मतलब इसका जो इमेज बन रहा है, एच का जो इमेज एच डैश बन रहा है, ये कहाँ पर बनना चाहिए? इसके फोकल लेंथ के अंदर ही बनना चाहिए, तभी इसका तुम्हें हाईली मैग्निफाइड इमेज बन मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, करेक्ट? नहीं तो फिर ये रियल इमेज बन जाएगा, रियल इमेज के लिए स्क्रीन रखना पड़ेगा, दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर हियर, स्क्रीन स्क्रीन हम रखते नहीं, हम वर्चुअल इमेज से काम चलाते हैं अपना, ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ रहा है कि नहीं? से समथिंग, समझ में आ रही है बात कि नहीं बच्चों? चलिए तो इसको थोड़ा भी नीचे रख लेते हैं। तो अब बच्चों यहां पर देखो, तुम यहां पर जो इनिशियली जब तुम देख रहे थे, तो अगेन इनिशियली मान लो मेरी आई वाज ओवर हियर एंड दिस ऑब्जेक्ट वॉज हियर, तो काफी 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 छोटा था ये ऑब्जेक्ट, दिस वॉज थीटा नॉट, दिस वॉज एच, दिस वॉज टी, बराबर है? इनिशियली इट वॉज लाइक दिस, बट अब जो मैग्निफाइड वाला एंगल है, जो थीटा, जो इसने भी क्या करते, मैंने आपको बोला अगेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, ये जो एंगल है इसको बढ़ा देते हैं, कौन सा एंगल? ये वाला जो एंगल है इसको बढ़ा देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, ठीक है। तो इसको जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने बढ़ा दिया, इस आई पीस ने इस एंगल को बढ़ा दिया, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा एंगल है यहाँ पे? ये थीटा डैश है, दिख रहा है आपको? ये थीटा डैश है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस, कौन कौन है? अच्छा देखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर जो मैग्निफाइड वाला जो एंगल है, एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया ये, बराबर है? कितना हो गया अभी एंगल? थीटा डैश हो गया, देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर ये मतलब इसका जो इमेज जो है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, करेक्ट? तो अभी जो बढ़ा हुआ एंगल है बच्चों, दैट इज थीटा डैश, और टैन थीटा डैश कितना है यहाँ पर?
या ठीक है जी, मतलब यहाँ पर देखो, यू कैन जस्ट कंसीडर दिस ट्राइंगल एक्चुअली। यहाँ पर देखो इस तरह का एक ट्राइंगल दिख रहा था ना, ये तुम्हारा यू ई हो गया, ये तुम्हारा एच डैश हो गया, ये हो गया थीटा डैश, ठीक है, बराबर है। डिस्टेंस इज यू ई, एच। तो यहाँ पे जो मैग्निफाइड एंगल है थीटा डैश, दैट इज व्हाट एच डैश बाई यू, बराबर। यहाँ पे थीटा नॉट कितना होगा, थीटा नॉट हो गया एच बाई टू, ठीक है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो गया, अभी मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है, थीटा डैश बाई थीटा नॉट। अब देखना यहाँ पे एक जादू हो जाएगा, थीटा डैश कितना था एच डैश बाई यू ई, थीटा नॉट कितना था एच बाई डी। अभी ये एच एच कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल मत कर देना इसको, ठीक है। देखो कितना हुआ, एच डैश बाई एच आई गेस इंटू डी बाई यू। अब आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो एच डैश बाई एच जो है किसका मैग्निफिकेशन है, ये इस वाले ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है। ये एच डैश बाई एच जो है किसका मैग्निफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव वाले का मैग्निफिकेशन है, बराबर है बच्चों, यस नो बोलो कुछ। अब ये देखो, तो मैं आपको बता रहा था एच डैश बाई एच इसका मैग्निफिकेशन हो गया ऑब्जेक्टिव का, और डी बाई यू ई, क्योंकि जो इमेज जो बनी है कहाँ पे बनी है बच्चों, ये जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है, डी बाई यू ई। ऊपर हमने देखा था ना डी बाई यू ई क्या आया था, डी बाई यू ई डी बाई एफ प्लस वन, करेक्ट करेक्ट। तो यहां पर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों जो हमारा मैग्निफिकेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको आईपीस बोलते हैं। अच्छा ये वाला जो बड़ा वाला लेंस है इसको हम बोलते हैं आईपीस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, बराबर है। अब देखो हमारा ये जो फॉर्मूला है, हाउ दिस फॉर्मूला चेंजेस, एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई। आप चाहो तो इस एच डैश बाई एच को क्या लिख सकते हो, लेंस के लिए क्या होता है, क्या हो जाता था मैग्निफिकेशन, क्या हो जाता था बच्चों लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, वी बाई यू हो जाता था कि नहीं हो जाता था बच्चों, यस नो कुछ बोलिए, हो यस जाता था सर, कि नहीं। लेकिन मैं यहां पर ना, बिकॉज ये मैं एक स्पेसिफिक केस के लिए बना रहा हूँ, ये जनरल केस के लिए नहीं है। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ये चीज समझनी है कि ये एक स्पेसिफिक केस के लिए है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज भी फॉर्मेशन होगा वो ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पर हम जनरली यू नो, अगर तुम उस यहाँ पर हम जो डेरिवेशंस कर रहे हैं वहां पे साइन कन्वेंशन के साथ उसको डेराइव कर रहे हैं, तो अगर तुमसे कोई मैग्निफिकेशन का, अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वहां पे मैं साइन कन्वेंशन के साथ ही उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो एच डैश बाई एच देखो ये कौन सी इमेज बन गई, ये हमेशा ही रियल इमेज बननी चाहिए ना, तो रियल इमेज आपको मालूम है रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, कितना हो जाएगा ये देखो माइनस ऑफ, ये कितना हो गया वी नॉट बाई यू नॉट, बराबर माइनस ऑफ ओ, मतलब क्या, ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई यू ई। अब देखो इसके साथ कुछ तो हम करें, इसको भी कुछ तो, इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं शायद से, बट डी बाई यू ई को पहले देखते हैं, ठीक है। यस, तो इसको तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा वी नॉट, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वी नॉट, ये डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, तो तुम अपनी लेंस मेकर्स फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हो वी नॉट बाई यू नॉट। अभी हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर डी बाई यू ई, डी बाई यू ई, तो अब अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड
एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे फॉर यू की जगह क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों जल्दी से बताओ, एफ ई बराबर। भी देखा था ना हमने ऊपर, देखो यहां से देखो, यहां भी हमने देखा था ना जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी, इमेजेस फॉर्मड एट इंफिनिटी तो मैग्निफिकेशन बिकम्स डी बाई एफ ई, और जब इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी है तो डी बाई एफ प्लस वन। तो यहां पर भी वही केस बन जाएगा, व्हेन इमेजेस फॉर्मड एट इंफिनिटी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई हो जाएगा। और व्हेन इमेजेस फॉर्मड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तब क्या हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू कितना था यहाँ पे, कितना आया था डी, ये यहाँ पे फोकस किसका लेंगे, डी बाई एफ ई। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको देख लो समझ लो और जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको देखो समझो और इसको जल्दी से प्लीज नोट इट डाउन, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। दिस इज अ प्रॉब्लम बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। तो एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम का एडवांटेज है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को देखो सॉल्व करके, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, देखो आपको उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, कितना कम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और देखो आप उसको एकदम सैंपल के पास में रखते हो कि नहीं रखते हो ना, यू कैन सी इट फ्रॉम दिस एग्जांपल आल्सो। देखो इसका फोकल लेंथ जो है कितना है, ठीक है चलो। तो यहाँ पे हम इसको मैं कैसे रफ, इस पहले रफ एक डायग्राम निकाल लिया करो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तुम्हारा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईपीस है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं बनाते फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये तो डिस्टेंस होगा, इसका फोकल लेंथ है ना, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर के बियॉन्ड रखा रहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर आ गया देन आपकी सेटिंग बिगड़ जाएगी, बराबर है। तो देखो तुम्हें ये समझ में आ गया इसकी हाउ डज दिस माइक्रोस्कोप वर्क्स, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आईपीस, आईपीस का फोकल लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, बराबर है। एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो डिस्टेंस में दिया है ये कितना डिस्टेंस है, ये है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, पहले तो इसने पूछा एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक। तो अब देखो पहले हम देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव किया एंगुलर मैग्निफिकेशन का, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई प्लस वन माइनस, बराबर है। मैंने बोला यहाँ पर हम इसको विदाउट साइन कन्वेंशन, अगर तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली तुम बिना साइन कन्वेंशन के तुम्हें यूज करने हैं फॉर्मूला। तो बहुत इंटेलिजेंटली अब बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहाँ पे साइन कन्वेंशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर देखो कहाँ थे,
ओके तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है, यही यू नॉट तुम्हें दिया हुआ है, यू नॉट कितना 1.2 है, तो क्या तुम वी नॉट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, यू नॉट इनफैक्ट माइनस 1.2 है, फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो हमें वी नॉट फाइंड कर लेते, तो यहाँ पर तो हमें साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी, इसको फाइंड करने में 1 by V naught minus 1 by U naught equals to 1 by F naught, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा ये 1 by V naught फाइंड करने में, U naught is 1.21, ठीक है कितना हो गया ये 6 cm बराबर +6, तो वी नॉट कहां पर आएगा, तो यहां पे तुम्हारा 6 cm आ जाएगा, यहां से कितना डिस्टेंस आ गया इसका 6 cm बराबर है, ठीक। तो अब क्या आप इस यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, बताओ मुझे क्या आप यहाँ पे पहले तो हम ए पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब सब वैल्यूज आपको पता चल गई, वी नॉट बाई यू नॉट माइनस क्या बता रहे हैं इमेजेस इन्वर्टेड इमेज, माइनस जब भी आ जाते हैं मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, और ये कितना हो गया 1 plus D by FE, बस सब वैल्यूज तो पुट करनी, यहाँ पे तो भी साइन कन्वेंशन भी नहीं सोचना है तुम्हें, करेक्ट 6 by ये माइनस हो गया 1 U naught वैल्यू कितनी है 1.2 इनटू कितना हो गया 1, डी कितना है अपना डी इज 25, एफई कितना है 2.5, देखो कितना आ गया मैग्निफिकेशन 12, 5 is 60, 5 into 5 is 55, so magnification here is minus, मतलब ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन जो आया यहाँ पे कितना आ गया -55 आ गया, बराबर है बराबर है कि नहीं बच्चों, ठीक है ओके, तो ये भी ये एक वैल्यू मैग्निफिकेशन की ये भी आ सकती है तुम्हारी, जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, अच्छा इसने क्या बोला है ठीक है, या तुम्हारी वैल्यू ये भी आ सकती है, देखो अगर ना वो बोल दे कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पे अगर अगर इमेज बनानी है तो कितना होगा मैग्निफिकेशन, तो तुम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो बी बाई यू नॉट इंटू सिंपली डी बाई एफ, तो ये कितना हो गया 11 तुम्हारा -5 11 10, मतलब 50 और 55 के बीच में तो तुम्हें मैग्निफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, ठीक है ओके चलो अब देखते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो अब माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ अगर तुम्हें फाइंड करनी है, और देखो यहाँ पर इसने क्या 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 डेटा तुम्हें दिया हुआ है कि ये जो तुम डिस्टेंस को ये ऑब्जेक्ट को जो रख रहे हो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख रहे हो, तो ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी ट्यूब की लेंथ, बराबर है कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी ट्यूब की लेंथ, यहां से लेके यहां तक मैं ट्यूब की आ जाएगा, तो देखो 6 सेंटीमीटर तो यही हो गया तुम्हारा, बराबर है बराबर 6 सेंटीमीटर तो ये हो गया, अब मैंने आपको क्या बताया था ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ये एट मैक्स फोकस पे आना चाहिए या फिर फोकस के इस साइड पर आ जाना चाहिए, फोकस पर आ जाना चाहिए ये इसके फोकस पे, या फिर ये कभी भी मतलब फोकस इसका यहां पर होगा ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, करेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये फोकस पर तो आ ही जाना चाहिए ये ऑब्जेक्ट, बराबर है
मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पर तो आ ही जाना चाहिए। तो यहां पर अब देखो तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, मेरा टू द स्केल नहीं है, जैसे छह थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो ये जो आ जाना चाहिए तुम्हारा कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस लेंस और इस लेंस के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 8.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड दिस, चलो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर टेलीस्कोप देखेंगे। चलो तो पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना ही लेते हैं, तो भी जैसे इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है ना, करेक्ट। अब इसका गेन फोकल लेंथ देखो, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना, 1 सेंटीमीटर, बराबर। और आईपीस का फोकल लेंथ कितना है, आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट। तो बस अभी यहां पे क्या करना है, अब जो आपकी इमेज जो बननी है वो कहां पे बननी है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी है ना, डी पे बननी चाहिए इमेज तुम्हारी। तो अभी इसने क्या बोला है, सेपरेटेड बाय 12.2 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो है 12.2 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, ठीक है, 12.2 से सेपरेटेड है। तो अब चलो अब हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी विल डू, इसका फोकल लेंथ हमें पता है, इसका फोकल लेंथ 5 है, तो ऑब्वियसली तो 5 मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, देखो 5 मतलब ऑलमोस्ट ये इतना हम ले लेते हैं ना, 5 मतलब ऐसे मत लिखो इसको, ये डिस्टेंस 5 है बेसिकली, ये डिस्टेंस मेरी 5 है, ये डिस्टेंस 5 हो गई। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 12.2 - 5 कितना हो गया, 7.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, ये 7.2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमने इसको, इस जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कितने डिस्टेंस पर, यू नॉट डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, इस वाले केस में, ए वाला जो केस हो रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे बाद में, लेकिन पहले क्या है, ए वाला केस। अब देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें ये तो एक चीज तो हमें पता है कि जो इमेज, जब तुम इसको यहां से देखोगे, गोइंग टू सी इट फ्रॉम हियर, तुम्हारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही होगी, अब ये यहां पर होगा कहीं पर तो होगा, ये इसका इमेज यहां पर कहीं तो आएगा, और फाइनल जो फॉर्मेशन होगा इमेज का, वो आई आई से या फिर इस पॉइंट से ऑलमोस्ट कितनी दूरी पर होगा, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तब देखो फॉर आईपीएस हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, आईपीएस हम, तो इस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। तो आईपीस के लिए देखो, अभी ये आईपीस हो गया अपना, आईपीस के लिए यस, तो आईपीस के लिए क्या हो जाएगा, या तो यू ऑफ आईपीस हमें नहीं पता है, हम अभी सारे ये आईपीस, ये डिस्टेंस यू ऑफ आईपीस मतलब ये यू ऑफ आईपीस, करेक्ट, डोंट नो दिस, वी हमें पता है 25 प्लस या माइनस, ऑब्वियसली -25 यहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही रहेगा, तो यूई का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, तो 1 बाई यूई, 1 बाई वीई -1 बाई यूई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई, एफ ई है आई पी इसका है,
तो ये बी ई है, तो 1 by -25 -1 by UE equals 1 by 5, therefore 1 by UE is -1 by 25 -1 by 5, 5 into 5 6 by 25, ठीक है। यूवी के देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, यूवी इज अप्रोक्सीमेटली 25 by 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 point something तो बेहतरी है ना, ठीक है, समझ में आई बात। यूवी इतना आ गया, अब यूवी इतना आ गया दैट मीन्स अभी यहां से कितने डिस्टेंस है, ये कितनी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी निकाल लो अभी। अब आपका VO आ जाएगा, UE आ गया एक बार, तो VO आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, VO आ गया तो UO नहीं आ जाएगा फिर, जल्दी से करके बताओ मुझे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। हमें UE आ गया, UE आ कितना है 25 by 6, 25 divided by 6 is how much, it is UE is 4.17 दे रहे उसको, ठीक है करेक्ट, 4.166 जो भी आ रहा है 4.167, तो अब इसको यूई में रहना आ गया, तो वीओ कितना आ जाएगा, वीओ विल बी हाउ मच, 12 - 12.2 - 4.17 करेक्ट, ये आ गया 8.03 बराबर है, वी नॉट इज 8.03, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस नो कायतरी बोला, चला काय तरी बोला मुलानो, वी नॉट कितना हो गया 8.03 बराबर है, बस अब क्या करना है आपको, यू नॉट निकालना है, एफ नॉट तो दिया हुआ है तुम्हें, कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 by U0 सॉरी 1 by V0, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव, -1 by U0 इक्वल्स 1 by FO, ठीक है। वी नॉट आपको दिया कितना 8.0 पॉजिटिव होगा, यू नॉट पता नहीं, देखते हैं क्या आएगा, वैसे तो नेगेटिव आने चाहिए, देख लो कितना आ रहा है, इसका इनवर्स कर देते हैं, ये आ गया 0. रुको इनवर्स करके -1 करते हैं अगर हम, तो कितना, हाँ बराबर, देखो अपर इत इनवर्स करा था ऐसा, इसको फिर से इन्वर्स करेंगे, तो फाइनली जब तुम सब सॉल्व करोगे तो यू नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आएगी, -1.14 सेंटीमीटर, मतलब फोकस के एकदम पास में ही रखना है तुम्हें, ठीक है चलेगा बच्चों। समझ सबको समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं, यू नॉट इज -1.14 सेंटीमीटर, ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो ये कौन सा केस है जहां पे इमेजेस फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई यू नॉट 1 + D/F, ठीक है। वी नॉट कितना है 8.0, और मैंने बोला यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन के साथ साथ लेना है इसको, ठीक है, 1.14 * 1 + कितना है 25, 5 5 है ना, यस, तो कितना आगे देख लेते हैं,
1.03 what is 1.14 ठीक है, और इनटू सिक्स कर देंगे इसको जो भी आएगा इनटू सिक्स 42.263 is the angular magnification. समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? सब बच्चों को समझ में आई ये बात कि नहीं आई? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. वेट ऊपर स्क्रॉल कीजिए. अच्छा लिख रहे हो, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप सगड़ाना माहिती काय होता सबको मालूम है ना टेलीस्कोप क्या होता है? करेक्ट, टू व्यू डिस्टेंट प्लैनेट्स एंड ऑल दैट. अब देखो, अब टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, कोई बहुत दूर की चीज को देखते हैं ना, प्लैनेट्स और एनी दूर दूर की चीज को हम देखते हैं, ठीक है करेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो ये क्या बोलते हैं, ये यहां से जो भी लाइट रेज आएंगी वो कहां पे मीट होंगी, ये इसके फोकस पर ही मीट होंगी. ये दिस इज हमेशा ये इसका एफओ ही होगा, बराबर है, बराबर है कि नहीं है? ठीक है, ये इसका हमेशा एफओ ही होगा, ठीक है बच्चों, करेक्ट. और दूसरा क्या, दूसरी क्या चीज है यहाँ पे, ये इसका एफओ हो गया. और ऑब्वियसली अब अगेन, अब ये जो आई पी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस होना चाहिए एफ ई ही होना चाहिए. दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल ओवर हियर, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सपोज तुम्हारा ये इसका फोकस यहां पर आ गया तो इसका कौन सी इमेज बन जाएगी, रियल इमेज बन जाएगी. और रियल इमेज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, करेक्ट. तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्चुअल इमेज ऐसा फॉर्म करवाते हैं ताकि हमें स्क्रीन की जरूरत ना पड़े. अगेन कौन इतना झंझट करेगा, स्क्रीन लगाओ, स्क्रीन को सेट करो, यू नो इट विल मेक डिवाइस वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अब अगेन, अब एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां पर आप एंगल देख के बता सकते हो व्हाट विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन. जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं इस प्लैनेट को तो हमें ये अल्फा दिख रहा है, टेलीस्कोप यूज करने के बाद इसका एंगल जो है वो बीटा हो गया, करेक्ट. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, बराबर है. अब हमें कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे टू कैलकुलेट अल्फा अपॉन बीटा यूजिंग दिस डायग्राम. तो पहली चीज जो है ये है कि अगर मान लो लेट से इमेज इसके एफ ई पे पड़ रही है, करेक्ट, इमेज फॉर्म्स एट या इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. पहले तो हम केस देखते हैं यहां पर भी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो अगेन इमेज इंफिनिटी पे तभी फॉर्म होगी जब ये डिस्टेंस तुम्हारा एफ ई के बराबर है, करेक्ट, ये डिस्टेंस तुम्हारा एफ ई के बराबर है तभी इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पे फॉर्म होगी. ओके, तो अभी देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल है. अब देखो m कितना, m को आप क्या लिख सकते हो, m को लिख सकते हो, एक से मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, I'm sorry for this. जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा बीटा अपॉन अल्फा होगा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर एंगुलर मैग्निफिकेशन. ओके, तो अब देखो यहाँ पे बीटा को आप क्या लिख सकते हो, बीटा को आप ये लिख सकते हो, अगर मैं इसकी हाइट एच बोल देता हूँ, इस वाले देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल आप देखना, ठीक है बच्चों, कौन कौन से दो ट्रायंगल देखो यहाँ पर, एक तो ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो,
ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इन दो को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहां से टैन बीटा कितना आएगा, एच बाई पी डैश ही, और टैन अल्फा कितना आएगा, एच बाई ओ डैश ओ पी डैश, ठीक है, बराबर है ना, समझे समझे बच्चों की नहीं समझे, तो एम कितना आ जाएगा, टैन बीटा, टैन बीटा क्योंकि एंगल आर वेरी स्मॉल ओवर हियर, सो टैन बीटा विल बी एच अपॉन, इसको अगर मान लो मैं एच ले लेता हूँ इस हाइट को, एच एच अपॉन ये कितना ही, दिस वाज एफ ई, आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है, एच अपॉन एफ ई डिवाइडेड बाई अल्फा टैन अल्फा, टैन अल्फा कितना है, एच अपॉन एफ ओ, ये कितना जाएगा, एफ ओ बाई एफ ई, बराबर, तो इसका जो मैग्निफिकेशन आया कितना है, एफ ओ बाई एफ ई आया इसका मैग्निफिकेशन, ये माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज दिख रही है ना, बराबर है ना, ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पे कैसी इन्वर्टेड है, तो इसलिए हम एक माइनस साइन लगा देंगे, बराबर है बच्चों। तो ये तो हो गया केस जब हमारी इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू सी, अगर मान लो इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनी, इमेज कहाँ पर बनी, इमेज बन रही डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब ये जो इमेज बन रही है ये डी डी वी पे बन रही है, बराबर है, ये इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यस क्या होगा, इस केस में, तो इस केस में ऑब्वियसली अभी ये जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ हम जो ले रहे थे एफ ई, अभी इसको फोकल लेंथ नहीं लेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ कहीं तो यहां पर होगी, एफ ई कहीं तो यहां पर होगा, अगर डी डी वी पे बन रही है ना, बराबर है कि नहीं बच्चों, यस नो काई तरी बोला, ओके तो अब इसकी फोकल लेंथ यहां पर, ये जो डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को भी मान लेते हैं हम, ये अभी पहले हमने दिस थिंग ये लिए थे इसको, अभी इस पी डैश ई डिस्टेंस को हम बोल रहे थे, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज यू ई, ठीक है, यू ई डिस्टेंस हो गया, तब देख लो क्या हो जाएगा यू ई डिस्टेंस निकालने के लिए, अब इमेज कहाँ पे बननी चाहिए बच्चों, देखो इसको चाहिए तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखो इमेज अभी जो है, लेट्स से व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट डी डी वी, ठीक है, तो अब दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है भी देखो ये यू ई हो गई, ठीक है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो एफ ई कहीं तो यहां पर होगा, इसमें मैं इसको ऐसे एज इट इज ही रखता हूँ, तो दिस इज डायग्राम एंड इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, दिस इज इमेज इज फॉर्मड एट डी डी वी, ये इसका डायग्राम है, चलो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई, तो यहाँ पे वी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वी की जो वैल्यू है, वी विल बी माइनस डी, यू विल बी यू ई, एफ इज गोइंग टू बी एफ ऑफ ई, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, वी कितना, वन बाई माइनस कितना हुआ, माइनस यू ई, ये माइनस यू हो, प्लस वन बाई यू ई इक्वल टू वन बाई एफ ई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वन बाई यू ई कितना हो गया, वन बाई यू ई हो गया, वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, कितना आया देखो ये वन बाई वी डी प्लस एफ ई अपॉन डी टाइम्स एफ, अच्छा देखो इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी एंगुलर मैग्निफिकेशन ही होगा, बीटा अपॉन अल्फा यही तो होगा, करेक्ट, अब देखो यहाँ पे बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई यू ई, और यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन, देखो ये तो मैंने आपको बोला है अल्फा एच अपॉन एफ ओ, ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है, ये तो हमेशा ही एफ ओ पे ही बनेगी ना, ये जो इमेज है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा एफ ओ ही रहने वाला है बच्चों, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है,
तो अगेन एच एच कैंसिल, क्या क्या आ गया तुम्हारे पास? देखो वन बाई यू ई, वन बाई यू ई बराबर है डिवाइडेड बाई वन बाई एफ ओ, तो एफ ओ बाई यू ई आ गया ना, देखो एफ ओ बाई यू ई, और वन बाई यू ई हमने यहां से निकाल लिया है, वन बाई यू ई कितना है अपना एफ ओ इंटू वन बाई यू ई विच इज इक्वल टू एफ ओ इंटू डी प्लस एफ ई अपॉन डी टाइम्स एफ, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आ गया वो आ गया एफ ओ बाई एफ ई टाइम्स डी प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझा है तो बताऊंगे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी एफ ओ प्लस एफ ई, तो यहाँ पे ध्यान रखो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी एफ ओ बाई एफ ई। एक ये पॉइंट है, और याद रखो मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन मिलता है हमें वो कितना होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर वो बोले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है, इंफिनिटी पे नहीं मिलता है कभी भी। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लिख लो, किसी कुछ डाउट है तो पूछो फिर। चलो तो विल विल एंड दिस सेशन हियर, आपकी शीट के एंड के कुछ क्वेश्चन आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, इस पर है, किस पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर दिए हुए मैंने, तो वो अभी आपको सॉल्व करने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेनबोज देखेंगे एंड दैट, और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो ले लूंगा। And with that, we'll finish with optics.